सो गाइस फाइनली हम रेडी हो गए हैं और हमने ब्लैक साड़ी पहनी है। ब्लैक ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक इनकी पैंट है और मेरी साड़ी है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को साड़ी कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट बार मैंने पहनी और ये साड़ी ना मैं दिल्ली से कस्टमाइज करवा के मंगवाई थी। कुछ स्पेशल सोची थी, कुछ स्पेशल होगा तब पहनूंगी। तो मैंने कहा चलो यहाँ बाबू का बर्थडे है, यदि तो मैंने कहा चलो इसी में पहन लेते हैं। और बाबू रेडी बिल्कुल नहीं हो रहा, वो रात जैसे तैसे करके रेडी किए, देखो अभी नहीं हो रहा। तो चलो थोड़ी देर से मिलते हैं, है ना। क्या वो चालू हो गया? चालू हो गया गाइस। फाइनली हम रेडी होकर यहाँ पर आ गए और अभी हमने यहाँ पे कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बस अभी बैठे हुए हैं बात कर रहे थे। अभी जस्ट हम दोनों कंफ्यूजन में कि किसी से बात करें, किसी के साथ रील बनाएं, बिकॉज घर जाने के बाद बहुत अफसोस होगा। अभी मैंने एक भी रील्स नहीं बनाई, वही मैं अभी इनसे बोल रही थी कि अभी मैं एक भी रील्स नहीं बनाई हूँ। तो यंका दी भी आ चुकी है। तो गाइस सब लोग यहाँ पर रेडी हो गए हैं और यंका दी भी थी कुछ खासी हो? सब बढ़िया एकदम। और इधर हमारी प्रीति और प्रियंका भी खड़ी है। गुस्सा है ये लोग, लेकिन हमारी दिक्कत नहीं समझी है। गुस्सा है हम चले गए थे तो ड्राइवर भाग आए हैं। मेरा सर घूम रहा, मैं खड़ी हो रही हूँ, रात भर सोई नहीं हूँ। और लोगों को लग रहा बाबा प्रीति छोड़ के भाग जा रहे हैं, ऐसा है। वो चार बजे बाद मिलना होगा, हम इसीलिए आए। बात नहीं, पूरा ठंडी है। चलो ठीक है, तो अभी मैंने कहा मैं भी प्लान नहीं कर रही। मेरी साड़ी बहुत हल्की लग रही है, बढ़िया लग रही है। सबके कलर की साड़ी है, मैं लाई थी ये वाली सेम कलर की। साफ पहन ली सुन तो मैं लाई शाम की सब कह रहे हैं कि हमारा मैं लाई थी ना, सब आप पहनने से लिए हम खुली दे रखा है उसको। मैं सुबह लाई थी कि मुझे होगी ना उसमें। अच्छा प्रिया दी को कैप्चर कर ले भैया उनको, तो अभी मैं तो रिकॉर्ड भी उनका मैं थोड़ा सा कर ले। तो ये देखो भाई प्रिया दी मुझे दूसरे लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे, ब्लॉग स्टार्ट कर लो आप भी कर लो, वरना नहीं कर पाओगे ऐसे में। कर लो, हम भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उतनी समय जानती हैं, ब्लॉगिंग कर रही थी, कैमरा नहीं चल रहा था। अभी मैं भाभी से बोल रही कर लो क्योंकि ये भी सरमाती कैसे उठाऊँ यार, कैसे खोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, है ना। ये तो है आज भी वही सर, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं आप, मैंने ब्लैक पहनी है, खूबसूरत लग रही है। थैंक यू भाभी, आप भी लग रही है। तो हम दोनों का कैमरा ऑन है, इधर हमारा और इधर भाभी जी का। देख रहे हैं भाई, सभी लोग रेडी हो गए, बस निकलने वाले हैं। तो अभी ना हम निकल रहे हैं गाइस, अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। और डेकोरेशन देखो बहुत अच्छी लग रही है, कितनी सॉन्ग चल रहा, कॉपीराइट आएगा।
का महल बुला रहे पीछे ये रही है अनुराधा जी और ये गुस्सा कर रही थी कि हम फोन नहीं उठाए मेरा घर घर पे फोन था और इनको लग रहा था हम उठा नहीं रहे मैं अपना प्लेट नहीं लूंगी सबके वाले में खाऊंगी ताकि लास्ट में बोल दो प्रिया के बारे में मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है ना मैंने एक भी प्लेट नहीं बेची एक भी प्लेट मैंने उठाई नहीं तुम्हारे पास क्या है खाने के लिए सबके वाले में सब गर्म है भाई इसमें आप
हमारी भी चली जाएंगी मिलने, कैमरे में कैप्चर कर लेंगे, पता नहीं कब तक आ जाएगी। जल्दी मेरे लिए तो लहाई बात पे होना यार। तो यहाँ पर दी मुझे कुछ बता रही थी, समझा रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत कम बड़े यूट्यूबर होते हैं जो छोटे यूट्यूबर को भाव देते हैं, वरना सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सिर्फ जो सिर्फ बड़े यूट्यूबर को ही भाव देंगे और छोटे यूट्यूबर को इग्नोर करेंगे, और ये सब अच्छा भी नहीं लगता। मतलब ये सारी चीज़ों ना देखो ना तो मूड भी ख़राब हो जाता है। लेकिन सृष्टि दी ऐसी थी ना जो छोटा बड़ा क्या सबसे बात कर रही थी, ऐसा नहीं था कि छोटे यूट्यूबर को इग्नोर करे और बड़े बड़े यूट्यूबर से सिर्फ बात करे। इनका ये बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे हंस कर खुलकर बात कर रही थी और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला है। और मेरा मूड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि मन्नी को लूज़ मौसम हो रहा था, उल्टी भी हो रही थी, तो पार्टी एंजॉय करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो हो गई थी इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं, पार्टी में आए हैं तो थोड़ा बहुत इन्जॉय करना चाहिए। और सचिन मनीषा आए हुए थे, उनके पास इतनी भीड़ थी। ये वाली जो क्लिप है ना, ये प्रीति के हस्बैंड जो है उनके हस्बैंड ने रिकॉर्ड की थी, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते क्योंकि उस टाइम में हम गिफ्ट देने गए थे। हमने थोड़ी बहुत क्लिप इनकी रिकॉर्ड की है बस, जब हम मिलने गए थे तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी की थी बस, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं भी मिली थी क्योंकि हम उनको जानते हैं, वो हमें, इस वजह से थोड़ा सा मैं भी गई थी उनसे मिलने। हेलो